वेलकम दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 194 के बारे में। अगर आपकी कंपनी का कोई इस सेक्शन यानी कि 194R के सेक्शन के अंदर कोई TDS कटा हुआ है तो आपको उसकी एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस प्रकार से करनी है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है भी आपका कोई सप्लायर है जिनसे आपने कुछ ड्यूरिंग द ईयर काफ़ी मतलब अमाउंट्स के अंदर आपने कोई गुड्स परचेज कर लिया या कोई प्रोडक्ट को बड़ी क्वांटिटी में परचेज कर लिया, तो कंपनी क्या करेगी भी जो आपने कंपनी का पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टारगेट आपने पूरा कर लिया तो उसकी एवज में कंपनी आपको कोई कार गिफ्ट कर सकती है, कोई टेलीविजन गिफ्ट कर सकती है, कंप्यूटर है, गोल्ड कॉइन है, मोबाइल फ़ोन है, इसके अलावा कोई फ्री टिकट अगर आपको अवेलेबल करवाती है या आपका कोई फ्री चेकअप होता है तो कंपनी क्या करेगी 194R की सेक्शन के अंदर अगर उसकी अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा की है तो 194R की सेक्शन के अंदर 10% का जो TDS है वो डिडक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो TDS शुड बी डिडक्ट एट 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स, यानी कि जो भी गिफ्ट्स मिला आपको या जो भी आपको कोई भी फर्गुजिट एक्सीड्स हुई है 20,000 रुपये से ज़्यादा की तो 10% का TDS काटा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये जो अमाउंट्स होती है, मान लीजिए आपने कोई टारगेट पूरा किया और उसके एवज के अंदर कंपनी ने आपको मान लीजिए 1,00,000 रुपए का गिफ्ट कर दिया, आपको इसके लिए गिफ्ट भी मिल सकते हैं जैसे आपने डिस्कस किया कोई मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप कुछ भी मिल सकता है, या आप बहुत सारे कैसे के अंदर देखा जाता है भी अमेजोन के अंदर आपको कूपन भी मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी अपनी शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन अब ये जो अमाउंट है ये आपको उसकी पार्टी की जो आपका सप्लायर है, जो आपका सेंडरी क्रेडिटर है, उसकी अकाउंट की स्टेटमेंट के अंदर ये अमाउंट्स आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैसे आपने 26AS ओपन किया तो वहाँ पर आपको ये अमाउंट्स शो हो गई। अब अगर आपका 26AS के अंदर वो अमाउंट शो हो रही है तो आपकी मजबूरी है भी उस इनकम को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बुक करना जरूरी है और उसका जितना भी TDS कटा हुआ है उस TDS को भी क्लेम आपको करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ देखोगे 194R। लेकिन ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपकी उसके अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं मिली तो आप क्या कहोगे भी मेरा अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर तो बैलेंस है वो बिल्कुल टैली है, बिल्कुल मिलान कर रहे हैं पार्टी के अकाउंट के स्टेटमेंट के अंदर और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो मैं इसकी एंट्री अब कैसे करूंगा? अगर इसकी एंट्री करूंगा तो मेरी सप्लायर का जो अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस है वो मिसमैच हो जाएगा। लेकिन मिसमैच नहीं होगा, इसी के लिए आज किस वीडियो के अंदर अपने 194R के, क्योंकि बाकी अगर कोई कमीशन मिला है उसके ऊपर TDS कटा हुआ है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, इंटरेस्ट मिला है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन 194R के सेक्शन में बहुत सारे केस के अंदर आपको अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर उसके ट्रांजेक्शन है नहीं मिलेगी और नहीं इसका आपके पास में कोई वाउचर होगा जिसको देख के आप एंट्री करोगे। ये एंट्री आपको केवल 26AS की फिगर्स को देख के ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपने टैली सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आपके पास कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने को टैली सॉफ्टवेयर में कुछ लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने कोई भी एंट्री अभी तक करी नहीं है और ना ही मैंने कोई लेजर बनाया, आपको मैं दिखा देता हूँ। केवल बाय डिफॉल्ट केस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो टैली सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं वही लेजर बने हुए हैं। तो अब अपने को क्रिएट पे जाना है और लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, अब अपने को एक लेजर क्रिएट करना होगा TDS ऑन सेक्शन 194R, आप एक लेजर क्रिएट कर लो। ठीक है, अब ये आपका एडवांस टैक्स आपने डिपॉजिट करवा दिया क्योंकि आपको एक तरीके की अदर इनकम रिसीव हुई है और अदर इनकम रिसीव हुई है तो आपका TDS भी कटा होगा, तो इसका ग्रुप अपने रखेंगे करंट एसेट में। अब ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि आपको कोई टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाना, टैक्स आपको ऑलरेडी कट चुका है। उसके बाद में अपने को उस पार्टी का लेजर भी क्रिएट करना है जिनसे आपको गिफ्ट मिला हुआ है। तो मान लीजिए मैंने एक लेजर बना दिया ABC कंपनी के नाम से, ठीक है, और ये मेरा सैलरी क्रेडिटर होगा और ये मैंने ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अब ये मेरा एक TDS का लेजर बन गया, सप्लायर का लेजर बन गया, अब रह गया मेरा इनकम। अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे इनकम फ्रॉम
आप अपने इसके अंदर चलेंगे और यहाँ से अपने इसको कर लेंगे, फिर गिफ्ट या गिफ्ट आप कुछ भी आप अपने लेज़र के अंदर इसको लिख सकते हो, अपने इसको कॉपी कर लेंगे। और ये रहेगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो अपने नॉट एप्लीकेबल करेंगे। आपको ये सिंपल तीन लेज़र क्रिएट करने हैं और उसके बाद में आपको एक कैपिटल का भी लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको अपने बोल देते हैं ड्राइंग्स अंडर में कैपिटल काउंट, क्योंकि ये आपके ड्राइंग्स है तो आप कैपिटल काउंट यूज़ करोगे, तो आपको ड्राइंग्स का लेज़र वो भी यूज़ करना ज़रूरी है। अब आपको एंट्री किस प्रकार से करनी है, वाउचर पे चलेंगे। सबसे पहले अपने को जनरल वाउचर ओपन करना है और यहाँ अपने को क्या करना है भी, जो आपका सप्लायर है जिनको आपसे मिला हुआ इनकम, तो आपको एबीसी कंपनी को आपको डेबिट करना है। कितना करना है, मान लीजिए अपने को ये अमाउंट उठाते हैं 1,66,294 रुपये 44 पैसे की, 1,66,294 रुपये 44 पैसे आपको उस पार्टी को डेबिट कर देना है। और इनकम फ्रॉम जो अपनों ने एक लेज़र बनाया था इनडायरेक्ट इनकम का, उस लेज़र को अपने को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि अब ये आपकी इनकम बुक होगी, अब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनकम आपकी शो होगी। अब उसके बाद में टीडीएस भी डिडक्ट किया हुआ है, तो अब आपको क्या लिखना है, टीडीएस ऑन सेक्शन 194R, जो टीडीएस की अमाउंट है 16,630 रुपये की, और यहाँ अब आप वापस अपने उस सप्लायर्स के लेज़र को क्रेडिट कर दोगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दो लेजर होगी, अब आपको क्या करना है, अपने सप्लायर का जो लेजर है, एबीसी का जो लेजर हमने क्रिएट किया था, इसकी अगर अपने फाइनल अमाउंट देखें तो यार ये 1,49,664 रुपये 44 पैसे की, जबकि ये पैसा अब हमारे स्टेटमेंट के अंदर तो शो हो नहीं रहे। अगर ये इस अमाउंट का अपनों ने एजीडी छोड़ दिया तो बाकी बैलेंस हमारा हिल जाएगा। तो अब अपने क्या करेंगे, वापस एबीसी के अमाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पैसा अपनों ने पर्सनली यूज कर लिया है। तो इसके लिए वापस अपने वाउचर पे जाएंगे, तो अपने ड्राइंग्स के लेज़र को डेबिट करेंगे और यहाँ अपने उसकी अमाउंट डालेंगे 1,949,664.44, और यहाँ अपने उस एबीसी के पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आप देखोगे इसका जो बैलेंस है यहाँ पर 0 हो चुका है। एंटर एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर पार्टी का अगर आप लेजर देखोगे एबीसी का, तो एबीसी का लेजर यहाँ बराबर हो चुका है। अब आपके इसके अकाउंट स्टेटमेंट का जो फाइनल बैलेंस है वो आपकी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच करता रहेगा। और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, तो अभी हमारी जो इनकम थी 1,66,294 रुपये की, वो भी हमने इनकम साइड के अंदर इसको बुक कर ली, क्योंकि हमारे 26 ईयर्स के अंदर आ रहा है, तो ये हमारी अब मजबूरी है कि हमें इसकी इनकम बुक करनी पड़ेगी। और बैलेंस शीट अगर अपने देखें, तो इस बैलेंस शीट के अंदर हमने 16,630 रुपये का जो टीडीएस है वो भी क्लेम हमने कर लिया बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके की एंट्री अगर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो अकाउंट स्टेटमेंट तो नहीं है लेकिन वो आपकी 26 AS के अंदर शो कर रही है, तो फाइनली आपको इसकी अमाउंट एंट्री है जो कुछ इस तरीके से ही करनी पड़ेगी। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नॉलेज मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना।